नमस्कार, मैं दिव्या धरातल। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। रमजान से पहले बिहार की नीतीश सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार के नए आदेश के मुताबिक रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारी एक घंटे पहले दफ्तर आकर तय वक्त से एक घंटे पहले ही अपने घर जा सकेंगे। इससे उन्हें रोजा खोलने में सहूलियत होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में विपक्ष के आरोपों पर खुलकर जवाब दिया और चुनौती भी दी है। विपक्षी नेताओं पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के एक्शन पर अमित शाह ने कहा है कि जांच क्यों नहीं होना चाहिए, अगर आरोप गलत है तो कोर्ट जाना चाहिए, आपके पास अधिकार सुरक्षित है, जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही हैं। होली के बाद यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए राजगीर, दानापुर और गया से आनंद विहार टर्मिनल के लिए एक एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। वहीं पटना से हावड़ा के लिए भी एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। भारत के 3 बैंक SBI, ICICI और HDFC ऐसे बैंक हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी हैं। इन बैंकों का डूबना सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती है। बीते एक हफ्ते में अमेरिका के 2 बैंक सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक डूब चुके हैं। तीसरे बैंक यानी फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को दूसरे बड़े बैंक ने $30 अरब की मदद देकर बचाया है। वैसे तो अमेरिकी बैंक के डूबने का भारत की बैंकिंग व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पर एक के बाद एक बैंक डूबने की इस घटना ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। तमिलनाडु में बिहारी श्रमिकों पर हमले के झूठे और भ्रामक वीडियो प्रसारित करने के आरोपी मनीष कश्यप ने शनिवार को सरेंडर कर दिया। पुलिस टीम शनिवार सुबह यूट्यूबर मनीष कश्यप के घर कुर्की करने पहुंची। इसके बाद आरोपी ने सरेंडर किया। पुलिस ने दर्जन भर पदाधिकारी शनिवार सुबह करीब 5 बजे मनीष कश्यप के मझौलिये थाना क्षेत्र के महानवा गांव में पहुंचे और कुर्की कार्रवाई शुरू कर दी। स्वयंभू बाबा और भगोरे नित्यानंद के काल्पनिक देश कैलासा एक बार फिर चर्चाओं में है। दरअसल कैलासा ने दावा किया है कि उसने 30 से ज्यादा अमेरिकी शहरों के साथ एक सांस्कृतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कैलासा के न्यू जर्सी स्थित नेवार्क शहर के साथ यह स्कैम किया है। वहीं नेवार्क ने भी यह माना है कि वह एक काल्पनिक हिंदू राष्ट्र के साथ सिस्टर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर करने के स्कैम के शिकार हुए हैं। अब पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच की वजह से फ्लाइट नहीं छूटेगी। यहां पर 9 सेल्फ चेक इन पॉइंट की सेवा शुरू कर दी गई है। वहीं पुरानी तकनीक पर आधारित होने के कारण से पहले से कार्यरत 3 सेल्फ चेक पॉइंट को बंद कर दिया गया है। नए सेल्फ चेक इन पॉइंट पटना से बाहर जाने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी सुविधा है। यहां यात्री खुद खड़े होकर अपनी सुरक्षा जांच करवा सकते हैं और इसके बाद चेक इन के दौरान सुरक्षा जांच के लिए लगने वाली लंबी लाइन से निजात मिल जाएगी। हाल ही में FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कैल्शियम कार्बाइड नाम के केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है। फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने ट्रेडर्स, फूड हैंडलर्स और फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को इस निर्देश का पालन नहीं करने पर सख्त एक्शन लेने की बात भी कही है। आपको बता दें कि कैल्शियम कार्बाइड का सबसे ज्यादा खतरा आम, पपीता और तरबूज में होता है। ये फल इसलिए जल्दी बाजारों में आ जाते हैं क्योंकि इन्हें आर्टिफिशियल तरीके से पकाया जाता है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम जल्दी घोषित किए जा सकते हैं। एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद BSEB बिहार बोर्ड इंटर 2023 के परिणाम इस आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर उपलब्ध होंगे। छात्र अपने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ की मदद से अपना रिजल्ट देख सकेंगे। शशि थरूर ने राहुल गांधी से माफी की मांग पर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसको लेकर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा सदस्य शशि थरूर ने कहा है कि बीजेपी राजनीति करने में माहिर है। उसने राहुल गांधी को कुछ ऐसी बात के लिए दोषी ठहराया जो उन्होंने कहा ही नहीं। बता दें कि थरूर ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के दौरान ये बातें कही हैं। कश्मीर में खुद को ADG बताकर खातिरदारी करवाने वाले जालसाज किरण पटेल को कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जालसाज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुआ था। इस मामले में किरण पटेल के वकील का बयान सामने आया। वकील ने कहा है कि मुझे मेरे वकील ने बताया है कि उसके साथ एक और व्यक्ति शामिल था। पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने 164A के तहत उसका बयान दर्ज किया और एक अन्य व्यक्ति को पुलिस ने रिहा कर दिया। सोमवार 20 मार्च से वंदे भारत एक्सप्रेस गुरुवार को छोड़कर हर रोज चलेगी। दिल्ली रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन बढ़ाए जाने से यात्रियों को काफी राहत मिलने वाली है। प्रयागराज होकर जाने वाले इस ट्रेन में सफर के लिए बुकिंग की मारामारी रहती है। ऐसे में एक दिन और वंदे भारत के संचालन से सैकड़ों लोगों को राहत मिलेगी। मिलेट वर्ष पर दिल्ली में शनिवार यानी आज के 100 से अधिक देशों के कृषि मंत्रियों, मोटे अनाज के शोधार्थियों, विज्ञानियों एवं प्रतिनिधियों का जमावड़ा होने जा रहा है। 2 दिनों तक चलने वाले ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पहली बार भारत बांग्लादेश ऊर्जा पाइपलाइन का शनिवार के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। दोनों देशों के बीच यह पहली सीमा पार पाइपलाइन है। यह लगभग 377 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कुल कीमत में 285 करोड़ रुपए में बांग्लादेश में पाइपलाइन बिछाने में व्यय हुआ है। यह राशि भारत के अनुदान सहायता के तहत खर्च की गई है।
अमित शाह ने एक कार्यक्रम में कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद तीन अहम मुद्दों जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सली समस्या को मोटे तौर पर समाधान कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद किसी भी विदेशी ताकत ने देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल के बाद भारत एक ऐसा देश है जिसमें कोई पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोलते हुए अमित शाह ने कहा है कि आज भारत की स्थिति बहुत मजबूत है, दुनिया में कोई भी आज भारत की सीमा और सेना के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अमित शाह ने अपने भाषण से दुश्मन देशों को चेताया है। ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल ने घोषणा की है कि भारत के शीर्ष उद्योगपति रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए विशेष सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है। 2022 तक टाटा सन्स के चेयरमैन एमेरिटस और टाटा सुमो के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा की कुल संपत्ति 3,800 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोटे अनाज पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वह इस साल मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के अवसर पर एक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी करेंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को बैंकों को आगाह किया है कि संपत्ति और देनदारी में किसी तरह की असमानता या गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन दोनों में गड़बड़ी वित्तीय स्थिरता के लिए नुकसानदेह है। अमेरिका में जारी बैंकिंग संकट के बीच आरबीआई गवर्नर का यह बयान महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से टेलीफोन पर बातचीत की और राष्ट्रपति पद संभालने के लिए उन्हें बधाई भी दी है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने एवं दोनों देशों के लोगों के बीच महत्वपूर्ण मित्रतापूर्ण संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के उपायों पर चर्चा की गई है। कल श्रीलंका एयरलाइंस यूएल 173 से यात्रा करने वाले 30 यात्रियों को गलती से अंतर्राष्ट्रीय आगमन बस गेट के बजाय बेंगलुरु हवाई अड्डे के घरेलू आगमन बस गेट पर छोड़ दिया गया था। बीआईएल के प्रवक्ता के अनुसार इससे यात्री अंतर्राष्ट्रीय की जगह घरेलू बैगेज एरिया में पहुंच गए थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को लेकर खुद को फुल नंबर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि रेटिंग को जनता करती है, लेकिन वह अपने कार्यकाल से बहुत संतुष्ट और देश की आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर काफी सुधार हुआ है। अमित शाह इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोल रहे थे कि इस दौरान उग्रवाद की गिरावट का श्रेय 9 साल की मोदी सरकार को दिया है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी करेंगे। इसके लिए व्हाइट हाउस की ओर से योजना बनाने का काम शुरू हो गया है। व्हाइट हाउस से जुड़े लोगों ने बताया कि इस साल जून में राष्ट्रपति बाइडेन पीएम मोदी के साथ स्टेट डिनर का आयोजन करेंगे। हालांकि दौरे को लेकर बदलाव किया जा सकता है। इस बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। श्रीदीप ने केसरिया तेरा इश्क है पिया गाने को मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में गाया है। 5 भाषाओं में गाने को इस तरह से सजा कर गाया है कि इस बात का पता ही नहीं चल पाता कि कब गाने की भाषा बदल चुकी है। अब श्रीदीप का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीदीप की तारीफ भी की है। विपक्षी दलों की तरफ से लगातार अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाए जाने की मांग उठ रही है। इसके पलटवार में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। शाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मामले का संज्ञान लिया है और एक जांच समिति का गठन भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि न्यायपालिका अपनी शक्तियों का इस्तेमाल वकीलों को चैम्बर बनाने के लिए, जमीन देने के लिए करेगी तो इसे गलत संदेश जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनवाई की है। एम्स के मुताबिक देश की करीब 50% आबादी की आंखों से नींद गायब है। एम्स के सर्वे से पता चला है कि देश में 33 से 50% लोगों को अच्छी नींद नहीं आती। एक सावधान करने वाली बात यह भी है कि 5 घंटे से कम सोने वालों को हार्ट अटैक का खतरा रहता है। 87% भारतीय तो ऐसे हैं जो सोने से ठीक पहले फोन या रील्स या सोशल मीडिया अकाउंट चेक करते हैं। जनवरी में श्रीनगर में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में यौन उत्पीड़न के मामले का जिक्र किया था। दिल्ली पुलिस ने इसी मामले में पीड़िता के बारे में जानकारी मांगी। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक दिल्ली पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि 15 मार्च को पुलिस की एक टीम ने राहुल गांधी को नोटिस देने के लिए 3 घंटे तक इंतजार किया। इसके बाद भी राहुल गांधी पुलिस टीम से नहीं मिले। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उन्हें नोटिस देने के लिए 16 मार्च को फिर से उनके आवास पर गए। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद शुक्रवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर में पहुंचे। यहां उन्होंने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर जमकर निशाना साधा। चंद्रशेखर धीरेन्द्र शास्त्री को पाखंडी तक बता दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों से बागेश्वर धाम नहीं जाने की अपील भी की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेपो रेट बढ़ाने के बाद से देश के प्राइवेट और सरकारी बैंक अपनी फिक्स डिपॉजिट स्कीम को आकर्षक बनाने के लिए ब्याज दरों में इजाफा कर रहे हैं। ग्राहकों को लुभाने के लिए बैंक नई फिक्स डिपॉजिट स्कीम भी पेश कर रहे हैं। कुछ बैंक पुराने स्कीमों की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक ने भी अपनी ब्याज दरों से
ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। बैंक अपनी एफडी पर 8.85% की दर से ब्याज ऑफर कर रहा है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है एचके मल्होत्रा, बिपिन लाल वर्मा, अभिषेक राज, नुन्नू गोलू कुमार, एमडी नौशाद रजा, गोविंद कुमार, रवि शंकर, महमूद अंसारी, एमडी साकिर हुसैन, कुशलेंद्र कुमार सिन्हा, अनवर करीम खान, अर्जुन राम, महेंद्र कुमार, राहुल पासवान, एमडी शादाब आलम और प्रमोद कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सोशल मीडिया की लत से बचने के लिए क्या करना चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।